हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ABCD कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे स्टिच किया जाता है इस ब्रदर FS101 मशीन से, वो मैं बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजीली बताने वाली हूँ कि आप इस मशीन को यूज़ करके कैरेक्टर्स कैसे स्टिच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रनक लिखा है, वैसे ही अलग अलग साइज बनते नहीं हैं इसमें, पर टिक और टिन ज़रूर हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे आज ये डिज़ाइनर स्टिच नहीं चाहिए, मुझे ये ABCD कैरेक्टर्स चाहिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी है, वो है ये बॉटम वाला बटन, वेरी सिंपल। उसके बाद जब हम ये करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फुटर पे मुझे N बताया है, यानी मुझे यहाँ पर N फुट यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी N फुट रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर पोजिशन, चेकिंग, ये सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है जब हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। वो कैसे, ये देखिए कि यहाँ पर जैसे कि आप नंबर चूज़ कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर देख लीजिए कि आपको G यूज़ करना है, H यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, उसके ऊपर जो नंबर दिया गया है उससे ही हम वहाँ पर प्रिंट करने वाले। जैसे कि मुझे रनक लिखना है, तो मैं यहाँ पर 18 नंबर सेलेक्ट करती हूँ। ये देखिए RANAK, तो जो लेटर्स मुझे चाहिए उनके ऊपर का जो नंबर होगा वो मुझे वहाँ पर प्रिंट करना है। जैसे कि R का 18 है, तो यहाँ पर मैंने 18 कर दिया है। अब यहाँ पर 18 को मैं ऐड कर दूँगी, ऐड बटन दबाते ही मेरा 18 यानी R फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये पोजीशन, टोटल कुछ भी नहीं है। जब हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बटन सिस्टम चेंज करना है, उसके बाद ऐड और माइनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं जो भी नंबर ऐड करूँगी उसको मैं ऐड करूँगी। जैसे अब मैंने R को ऐड किया है, 18 ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट मुझे A ऐड करना है, तो A का नंबर है 01, ये देखिए A है 01 और मुझे ऐड कर दिया मैंने इसको, तो टोटली दो लेटर्स ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट है N, तो अब मैं यहाँ पर N का भी नंबर सेलेक्ट करके ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस A, 01 और K का है 11, तो इस दो नंबर को भी मैं ऐड कर देती हूँ। 01 हो गया, ऐड हो गया। अब के का है वो 11, ये देखिए के 11 है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो टोटली मेरे 5 लेटर्स ऐड हो चुके हैं रनक के, RANAK। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने टेंशन को थोड़ा बहुत लूज और टाइट रख के डिफरेंट टाइप से स्टिच किया है, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। और यहाँ पर जो ये चेक बटन है, ये हमें बताता है कि हमने जो नंबर्स सेट किए हैं वो ऑर्डर में है या नहीं। जैसे कि देखिए 01 यानी मेरा फर्स्ट लेटर का नंबर है 18, सेकेंड लेटर का नंबर है 01 यानी A, थर्ड का है 14 क्या है N, और फोर्थ लेटर का है 01 और फिफ्थ का है 11। यानी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो मैंने लेटर ऐड किया है वो सही ऑर्डर में है। यहाँ पर इनका लेटर का साइज इतना ही है, ये ना ही छोटा होगा ना ही बड़ा होगा, ये इतना ही होगा। सो, यहाँ पर हमारी पोजीशन या साइज वर्क कुछ भी नहीं करती, सिर्फ नंबर चूज़ करो, ऐड करो और वापस चेक कर लो, इतना ही इसमें होता है। अगर लेटर इससे बड़े चाहिए तो हमें फ्री हैंडेड करना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। यहाँ पर नेक्स्ट हमें बॉबिन सेट कर दी है। यहाँ पर थ्रेड की टेंशन मैंने सबसे पहले, ये देखिए मैंने 01 के बीच में किया है, तो ये मैं थोड़ा 1 ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ इसको स्टिच करती हूँ। तो हम सेट कर देते हैं, ये मशीन
मूव ऐसे ही होती है ना, तो हमें ऐसा ही लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ही सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड डाउन, दैट्स इट। देन मैंने स्टार्ट बटन दबा दिया है। यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर चेंज होते जाएंगे। उसी सेकेंड टू यहाँ पर चेंज होता जाएगा, 14 हो रहा है, ये 1 टाइप हो रहा है, 11 टाइप हो रहा है, टाइप होते ही बंद हो गया है। तो चलिए अब मैं इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रनअप हो गया लिखावट। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें कुछ भी लेटर लिखना हो, कोई भी वर्ड लिखना हो, तो हमें वर्ड बाय वर्ड लेटर को सेट करना है, ऐड करना है, फिर दूसरे लेटर को सेट करना है, वापस ऐड करना है। लास्ट में अगर आपको कोई डाउट हो कि मैंने कुछ लेटर मिस कर दिया है, तो आप वापस इसे चेक कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। और सिर्फ आपको मशीन के अंदर कपड़े को रखना है और स्टार्ट करना है, एंड फ्रीली आपको ये लेटर्स मिल जाएंगे। आई होप आज आपको ये छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ ट्राई भी किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर थ्रेड की टेंशन को लूज़ और टाइट किया है। जब मैंने काफ़ी लूज़ किया, ज़ीरो पे रखा है, तो मेरा यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ आया। लेकिन यहाँ पर पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो थ्रेडिंग की नीटनेस है वो कम आ रही है। और वही जब मैंने इसको 1 और 2 के बीच में किया, तो ये लेटर ऐसे आया है, ये देखिए, जो काफ़ी नीट है। और पीछे की तरफ देखें तो ये काफ़ी नीट है। यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी नीट आया है। और वही मैंने जब इस टेंशन को और इंक्रीज़ किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नीटनेस है वो काफ़ी चली गई, यहाँ पर वो नीटनेस नहीं आई। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट को नीट भी रखना है और पीछे की तरफ भी क्लीन आना है, तो हमें यहाँ पर टेंशन को 1 और 2 के बीच में सेट करना है। और कुछ नहीं, सिर्फ प्ले करो और अपना मनपसंद लेटर्स और सेंटेंस को लिखिए। सेंटेंस लिखना है तो एक एक वर्ड को लिखिए, फिर वापस इन सब को डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गया, फिर नया वर्ड लिखिए और टाइप करिए, स्टिच कीजिए, फिर डिलीट कीजिए, फिर लिखिए। तो इस तरह हम इस मशीन से कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, सेंटेंस भी, इनफैक्ट पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, पर टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी साइज़ फ्री हैंडेडली कैसे बड़ा लिखा जा सकता है वो मैं बताऊंगी। पर इस वीडियो में यहाँ पर एज़ डिफ़ॉल्ट इतना ही मिल सकता है हमें, इससे ज़्यादा साइज़ यहाँ पर नहीं बढ़ सकती है।